सबको ओम शांति। और ट्रू हिंदू जरूर, मैं इंस्टाग्राम मैंने अपना चेक कर लिया है और मैं आपको दे दूंगी नीचे। अगर आप एक कोई कमेंट डालेंगे तो मैं उसके रिप्लाई में अपना इंस्टाग्राम दे दूंगी, क्योंकि मुझे एक बार फिर से नाम देखना पड़ेगा उस पे। तो अभी मैं लाइव में हूँ तो मैं उसमें जाके देख नहीं सकती, तो आप नीचे कमेंट डालेंगे तो मैं दे दूंगी। ओके, शुरू करते हैं। इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। तो मैं आपसे शेयर करती हूँ, आज हम बात करेंगे फाइव सिंस ऑफ मोहम्मद। तो एक्चुअली ये फाइव सिंस क्या है? पांच डाकू हैं जो हमारे अंदर के दुश्मन हैं, उनको षड रिपु भी कहते हैं। पांच नहीं, सॉरी, छह बोल। षड रिपु मतलब छह, छह डकैत, छह दुश्मन। दुश्मन को रिपु रिपु कहते हैं, और षड मतलब छह, छह दुश्मन। तो मैं आपसे शेयर करती हूँ जो मैंने पावर पॉइंट बनाई है। तो ये हैं छह सिंस ऑफ मोहम्मद। तो हम इसमें देखेंगे कि ये जो छह छह पाप हैं जो हमारे अंदर के डकैत दुश्मन हैं, जो सनातन धर्म में बताए गए हैं, क्या वो मोहम्मद के अंदर थे? तो इसलिए मैंने इसका नाम रखा है कि ये छह डाकू मोहम्मद के अंदर थे। तो ये वैराग्य डिंडिमा से ये षड रिपु को बताया गया है। कामः क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्कराः ज्ञानरत्नापहाराय तस्मात् जाग्रत जाग्रत। तो इसका मतलब है कि ये जो हैं, ये पांच जो डाकू हैं हमारे, ये डाकू जो हैं, ये आदि शंकराचार्य ने इसका किया है कि जो काम क्रोध, काम मतलब लस्ट, क्रोध मतलब एंगर, और मद मीन्स एरोगेंस, और कौन से हैं, अटैचमेंट, डिल्यूजन, और अहंकार, और मत्सर्य मतलब जलसी। तो ये हमारे शरीर के अंदर हैं, बाहर नहीं है। ये क्या करने आए हैं? ये हमारे ज्ञान रतन को लूटने आए हैं, ये हमारी आध्यात्मिक ज्ञान को लूटने आए हैं, हमारे आत्मज्ञान को लूटते हैं, और हमें अपने सेल्फ अवेयरनेस से जो है वो हमें नहीं पहुंचने देते। हमें अपने आप को सेल्फ रियलाइज नहीं कर सकते, और हम रोते हैं, और अपने अज्ञानवश हम रोते हैं। वो आपको आपकी आत्मज्ञान से दूर रखने के लिए मौजूद है, क्योंकि ये डाकू हैं, ये आपको लूटते हैं। ये सारे छठों छह डाकू आपके अंदर रह के आपको आप आत्मज्ञान का बोध नहीं होने देते, और ये आपके उसको लूट लेते हैं, ज्ञान को। इसलिए हे मनुष्य साधक, जागृत जागृत, और अपने अंदर डूबे हुए चित्त और अपने अंदर के संस्कार जो हैं, और जो वासना से रिलेटेड हैं, उनको, उनके बारे में तुम अवेयर हो। उपनिषद भी कहते हैं कि हमारा जो माइंड है वही एक तरह का बॉन्डेज है, और उससे लिबरेट होना ही मोक्ष कहलाता है। अगर हम इन सारे जो मोह माया है, दुनियावी चीजें हैं, इनसे अटैच रहेंगे तो हमारा दिमाग जो है वो बंधन में रहेगा। जब हम इन सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं तो हमें फ्रीडम मिल जाती है, हमें आजादी मिल जाती है। ये छह डाकू कौन से हैं? ये छह पाप। पहला है लस्ट या डिजायर यानी काम, दूसरा है एंगर यानी क्रोध, तीसरा है ग्रीड मतलब लोभ, डेल्यूजन मतलब मोह, एरोगेंस मतलब मद, और जेलेसी मतलब मत्सर है। तो ये जो छह छह हैं, ये
हमारे अंदर ही बसते हैं और ये हमारे आत्मज्ञान को और हमारी हमारे अंदर के ज्ञान को जो है मार लेते हैं ताकि हमें आत्मबोध ना हो। और ये आप अकेले अकेले भी काम कर सकते हैं या मिलके भी। अब जैसे आप फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप क्रोधित होते हैं या आप जलस होते हैं तो आप साथ में क्रोधित भी हो जाते हैं क्योंकि आपने कुछ चीज देखी जलेसी की, अपनी अपनी बीवी पे जलेसी करी, अपनी स्त्री पर, तो आपको एंगर भी आया और जलेसी भी हुई। जब आप ग्रीड करते हैं, लोभी हो जाते हैं किसी चीज के, तो आप डिल्यूजन में पड़ जाते हैं क्योंकि आप इन मायावी चीजों से बंधन ले लेते हैं। कई बार आपको ऊंचा पद मिलता है तो आप लोभी हो जाते हैं ऊंचे पद के और उससे आपके अंदर अहंकार आ जाता है तो वो मद आ जाता है। तो इस प्रकार से, पर मैं चूंकि ये लाइव जो है आपको एक नॉलेज कैप्सूल देना चाहती हूँ, आपको बहुत बोर नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं बहुत प्रीच नहीं करूंगी, आप तो खुद समझदार है। तो ये मैंने आपको खाली लिस्ट बता दी है और अब देखते हैं मोहम्मद ने क्या किया। पहली बात देखते हैं उसमें लस्ट या काम भावना थी कि नहीं। तो यहाँ पर जो है मुसलमान कहते हैं कि वो 18 साल की थी, वो 13 साल की थी और इत्यादि इत्यादि। मेरे पास 21 प्रूफ हैं, 21 प्रूफ्स, जिससे कि पता चलता है कि ये आयशा जो थी उसकी उम्र 6 साल थी। और खुद आयशा जो है, मैंने यहाँ पर ये वाली प्रूफ लिया है जिसमें खुद आयशा बताती है कि जब मोहम्मद ने उससे शादी करी तो वो 6 साल की थी और जब वो 9 साल की थी तो उससे कंजुमेट करी मैरिज और उसके बाद वो 9 साल उसके साथ रही क्योंकि 18 साल की जब वो हुई तब मोहम्मद की डेथ हो गई थी। और ये एविडेंस है सही बुखारी की वॉल्यूम 7 62 चैप्टर और वर्स नंबर 64 या आयत नंबर 64 या हदीथ नंबर 64। तो इसमें हमने देखा कि मोहम्मद ने अबू बकर की जो बेटी जो फ्रेंड है उसका अबू बकर, जो कि हम दोस्त की बेटी जो है वो हमारी बेटी के बराबर होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने वो ना एक्चुअली मैं म्यूट कर दिया था अपना यूट्यूब तो कहीं उससे कोई गड़बड़ ना हो गई हो, तो पता नहीं जो है ट्रू हिंदू आपको मेरी क्या आवाज आ रही है, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है, क्या प्लीज कोई लिख के बता दीजिए मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है, क्योंकि मैंने अपने यूट्यूब में जो है मैं एक मिनट जाकर और आवाज तेज कर देती हूँ। ओके, तो फिर मैं वहीं से कंटिन्यू करती हूँ। तो मैं ये नॉलेज कैप्सूल दे लूँगी आपको, मैं आपको बहुत बोर नहीं करूँगी। तो हम ये प्रूव कर रहे हैं कि ये मोहम्मद के अंदर ये 6 डाकू थे कि नहीं, और उसने जो कि अपने आप को नबी कहा है तो उसके अंदर इतनी पावर तो होनी चाहिए कि वो इन 6 डाकू के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, तभी तो वो अपने आप को नबी कहे। अगर वो भी वही काम कर रहा है जो और लोग कर रहे हैं तो फिर वो नबी किस बात का। तो अब हमने खाली इतना ही नहीं, अब जो लोग मुसलमान ये बहाना बनाते हैं तो उसको दूसरा एग्जांपल दो, इब्न इशाक सुहेली का 2.79 और पेज नंबर 311। इब्न इशाक जो है वो जो मोहम्मद की लाइफ हिस्ट्री है, तो वो कहती है कि मोहम्मद ने उमल फदल, इस बच्ची का नाम है उमल फदल, जब वो एक छोटी सी बच्ची थी जो कि जमीन पर रेंग रही थी, तो जब मोहम्मद 61 साल का था तो उसने उसे देखा और उसने कहा कि जब ये बड़ी हो जाएगी तो मैं इससे शादी कर लूंगा, तो मतलब मैं इससे निकाह कर लूंगा। तो इतनी छोटी बच्ची जिसको देख के हमें प्यार आना चाहिए, तो उसे देखकर मोहम्मद के अंदर ये भावना आ रही है कि मैं इससे कर लूंगा निकाह। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि मोहम्मद ने हबीबा को देखा, वो भी तब जब 61 ईयर्स का था, तो उसने हबीबा को देखा जब वो नर्स कर रही थी, जब वो माँ का दूध पीती थी, तो उसने उसको देखकर भी कहा कि मैं अगर ये बड़ी हो जाएगी तो मैं इससे शादी कर लूंगा, और उस समय भी मोहम्मद की उम्र 61 ईयर्स थी। तो जो हरेक छोटी छोटी बच्चियों को इस तरह की काम वासना की नजर से देखता था, तो उसको हम क्या कहेंगे। अब देखिए
कि इतना ही नहीं था कि वो बच्चियों से था, वो पीडोफाइल था, क्योंकि उसके दो जो थे वो ग्रैंड चिल्ड्रन थे, क्या बोलेंगे, पोते थे, अल हसन और अल हुसैन, और वो छोटे थे। और एक बार वो जो है प्यासे थे, तो मोहम्मद ने अपनी जो है जीभ उनके मुंह में डाल दी और उसकी उन बच्चों ने उसकी जीभ को सक किया। और इसका हमें मिलता है अशफी अशीफा बाय कादी याद ट्रांसमिटेड बाय आयशा अब्दुल रहमान ब्यूली 1991 और पेज 194 है इसका जिक्र। अब देखते हैं और क्या किया इसने। एक दिन अबू हुरैरा जो है वो मोहम्मद के साथ मस्जिद में आया, तो वहां देखकर मोहम्मद ने कहा कि वो छोटा बच्चा कहाँ है, छोटे बच्चे को बुलाओ। तो हसन जो है वो छोटा बच्चा था, वो दौड़ के आके उसकी गोदी में बैठ गया। तो मोहम्मद ने अपनी उसने उसकी दाढ़ी में हाथ डाला और मोहम्मद ने अपने मुंह खोल के अपनी जीभ उसके मुंह में डाल दी। और फिर उसने कहा, ओ अल्लाह, मैं तो इसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं इसे करता हूँ और वन हू लव्स हिम है, और ये मोलेस्टेशन नहीं है तो क्या है? छोटे बच्चों के साथ ओरल सेक्स करना ये मोलेस्टेशन है, साफ साफ। और 6 साल की जो आयशा थी उसके साथ भी ये यही काम करता था, उसके साथ नहाता था, और अपने प्राइवेट पार्ट्स जो है, छोटी बच्ची कितनी डर जाएगी इतने बड़े आदमी के प्राइवेट पार्ट्स देख के, कभी किसी ने सोचा है? और इतने छोटे बच्चों को माँ चाहिए होती है। और इस बदमाश बूढ़े ने उसे जो है निकाह करके और उसके साथ थाई करता था। और किसी से पूछा गया है कि इतने छोटे बच्चों के साथ आप क्या कर सकते हैं, तो उसने कहा कि उनके टांगों के बीच में इजैकुलेट कर सकते हैं, उनकी टांगों के बीच में, और उनको थाई करता था। इसका रेफरेंस हमें कई जगह मिलता है हदीसों में, कुरान वगैरह में, कि वो जो है मोहम्मद आयशा के मुंह में अपनी अपनी जबान देता था, अपनी टंग डालता था, जैसे कि वो इन छोटे बच्चों की, इन लड़कों की जबान मुंह में डाल रहा है। तो मैंने आपको लस्ट जो है वो प्रूव कर दिया है कि बहुत कामी था मोहम्मद, और बहुत सारे एविडेंस मैं दे सकती हूँ, पर मैं इसको खाली आपको एक एक ही एविडेंस दूंगी। पर पीडोफीलिया इतना ज्यादा था कि मैंने 2-3 एग्जाम्पल दे दिए हैं, और एक और एग्जाम्पल दूंगी इसमें एडल्ट्रेशन का, एडल्ट्री का दूंगी, कि एडल्ट्री जो थी मोहम्मद ने कमिट करी, जब इसका जिक्र आता है इब्न साद की तबाकत वॉल्यूम 8 और पेज 195 में, कि इब्न साद कहता है कि अबू बकर ने ये बताया कि मोहम्मद ने जो है मारिया जो थी, जो हफ्सा को एक नौकरानी मिली थी मारिया, तो मोहम्मद ने उससे कहा कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें बुलाया है। तो हफ्सा बेचारी दौड़ी दौड़ी अपने घर गई, तब तक मोहम्मद जो है, क्योंकि उसके पास जगह की कमी होती थी, तो हफ्सा के घर में, मतलब हफ्सा के कमरे में उसके बिस्तर पर उसने उसी की नौकरानी मारिया जो थी, सुंदर थी, उसके साथ उसने सेक्स किया। और जब हफ्सा को पता चला कि उसके पिता ने उसे नहीं बुलाया है, तो वो दौड़ी दौड़ी आई, तो मोहम्मद ने को उसने रंगे हाथों पकड़ लिया। तो मोहम्मद ने कहा कि मैं अब आगे से ऐसा नहीं करूंगा, मैं कसम खाता हूँ। तो हफ्सा ने कहा कि फिर मोहम्मद हफ्सा से बोला कि तुम किसी को मत बताना, पर हफ्सा के पेट में ये बात नहीं टिकी और उसने जाके ये बात बता दी आयशा को। अब जो है मोहम्मद को जब पता चला तो उसे समझ में आ ही गया आयशा से कि उसे हफ्सा ने बताया होगा, तो उसने फौरन कह दिया जिब्राइल ने मुझे बताया है कि तुम्हें इस बात का पता है। और उसने जिब्राइल पर डाल के, क्योंकि कोई जिब्राइल नहीं आता था, यही अपने दूत इधर उधर भेज के मोहम्मद पता चलवाता था लोगों की जो है पर्सनल लाइफ्स और पर्सनल बातें जो उनके सीक्रेट हैं, और फिर जिब्राइल का नाम रख के और उनके सीक्रेट सब पे उजागर कर देता, ये दिखाता था कि देखो मैं जो हूँ वो तुम्हारे रहस्य जानता हूँ। एनीवेज, तो मोहम्मद ने जो है वो वचन दिया हफ्सा को कि वो फिर से ऐसा नहीं करेगा, लेकिन उसने फिर से जो है ऐसा किया और मारिया के साथ वो एक बार फिर सोया। तो इससे हमें पता चलता है कि न केवल वो कामी था, न केवल वो पेडोफाइल था, बल्कि वो जो है एडल्ट्री भी करता था, शादी होने के बावजूद जो है वो, इतनी सारी बीवियां होने के बावजूद, उसकी 14 बीवियां थी, मेरे पास उनके सबके नाम है,
उसकी 14 बीवियां और 6 सेक्स स्लेव्स के नाम लिखे हुए हैं, रिकॉर्डेड हैं। इतना होने के बावजूद जो है वो एडल्ट्री भी करता था, और इससे ये भी पता चलता है कि वो वचन भी तोड़ता था, क्योंकि उसने हफ्सा को वचन दिया और फिर तोड़ दिया। तो बहुत सारे इसमें उसके अंदर सिंस हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 6 ही लिखे हैं। मैंने एक और आर्टिकल बहुत बड़ा लिखा है, उसमें मैंने मोहम्मद के 33 जो हैं वो सिंस लिखे हैं, लेकिन 33 कैटेगरीज हैं उसमें जो है बिट्रेल ऑफ ट्रस्ट के अंदर भी मैंने ये दिया है। एनीवेज, तो यहाँ पर हमारे पास 6 डाकू हैं और उसमें से ये नबी ने इस चीज के ऊपर कोई विजय नहीं पाई। अब अगला देखते हैं, एंगर। तो मोहम्मद जो था वो एक बहुत ही क्रूर और गुस्सैल आदमी था। इसका हमें हवाला मिलता है बुखारी की वॉल्यूम 4 और बुक नंबर 52 और आयत नंबर 261 से। तो ये अनस बताता है, जो कि एक मोहम्मद का कंपेनियन था, उसका जो है कंपेनियन को क्या बोलेंगे, उसका सह मित्र था ऐसा समझ लो। तो उसने ये बात बताई कि एक बार एक 8 जो है अरबी, एक कोई अरब की कोई ट्राइब थी, कोई अरब का कबीला था, उसके 8 आदमी जो है वो मोहम्मद के पास आए और उनको ना आते ही उनकी तबीयत सी खराब हो गई। तो मोहम्मद ने उनसे कहा कि तुम जाकर जो है ऊंटों के जो है वो दूध और ऊंटों का दूध और ऊंटों की पेशाब पी लो। तो उन लोगों ने वैसे ही किया और वो थोड़ा सा बेटर फील कर रहे थे। तो जो उन आदमियों को थोड़ा लालच आ गया और उन्होंने जो वहां का ऊंटों का रखवाला था उसको मार दिया और उसके ऊंट ले गए। अब मोहम्मद तो कहता था भाई आई फॉर एन आई और टूथ फॉर एन टूथ, मतलब जो जैसा हमारे साथ करेगा हम वैसे ही करेंगे, पर मोहम्मद ऐसा नहीं करता था। जब मोहम्मद दूसरों को मारता था तो दूसरे उसे जो है नहीं इतना करते थे, लेकिन मोहम्मद ने अपने आदमियों को उसके पीछे दौड़ाया और उन 8 और उनके आदमियों के हाथ पैर काट दिए। है इतनी क्रूरता, मतलब कि तुम उसको मार ही देते, लेकिन और उसने क्या किया कि जो कीलें होती हैं उन्हें गर्म करवा के उन आंखों में डाल। तो क्रूरता, एक आम आदमी इतना क्रूर नहीं होता, कि ये एक साइकोपैथ था मोहम्मद और सेडिस्ट था। मतलब एक आदमी को तुम जान से मार दो वो बात अलग है, लेकिन इसने क्या किया, उनको धीरे धीरे मारने के लिए और खूब क्रूरता से मारने के लिए उनके हाथ पैर कटवा के और कीलों को गर्म करके उनकी आंखों में घुसा के और उनको एक पथरीली जमीन पर छोड़ दिया, जहां पर उनको जब पानी, वो अंधे भी हो गए, उनके हाथ पैर भी कटे थे, वो कहीं जा भी नहीं सकते थे और ना कुछ देख सकते थे। तो उन्होंने अनस से पानी मांगा, तो किसी ने, अनस ने बताया कि उन लोगों ने पानी मांगा पर किसी ने उनको पानी नहीं दिया और वो मर गए। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना क्रूर आदमी था और ये कितना ज्यादा क्रोधित, कि मतलब ये एक पर्सनल क्रोध है कि आप इतना ज्यादा दूसरे को निर्दयता से मारें और धीरे धीरे करके मारें। तो मोहम्मद ने के अंदर ये बहुत बड़ा डाकू था उसके अंदर, जिस पर उसने विजय नहीं पाई, तो वो किसी भी तरह से नबी नहीं हो सकता था। वो तो आम आदमी से भी गिरा हुआ था। आम आदमी भी इतना जो है वो सैडिस्टिक और क्रूर नहीं हो सकता जितना मोहम्मद था। अब अगला देखते हैं, एक और भी मेरे पास एंगर का है, कि सही मुस्लिम की वॉल्यूम 4 चैप्टर 4 और 2127 में ये बताते हैं कि जो है मोहम्मद ने जब वो वहां गया तो उसे लगा कि कोई उसका ये लड़की आयशा उसका पीछा कर रही थी देखने के लिए कि मोहम्मद कहाँ जाता है। तो मोहम्मद जो है दौड़ हल्का सा तेज उसने अपनी चाल कर दी, तो ये आयशा बता रही है कि इसने भी अपनी चाल तेज कर दी, जब वो दौड़ा तो ये भी दौड़ी, और फिर वो मतलब वापस ये गई थी आयशा देखने के लिए कि ये क्या करता है। तो जब ये वापस आई मतलब ये मोहम्मद घर की तरफ लौटा तो ये भी जल्दी जल्दी आई घर में और ये इससे पहले पहुंच गई घर में और जाके बिस्तर पर लेट गई। तो इसके बाद मोहम्मद घर के अंदर आया तो उसने आयशा से बोला कि तुम आउट ऑफ ब्रेथ क्यों हो, मतलब तुम इतना दौड़ के क्यों आ रही हो। तो वो बोली कि कुछ नहीं,
तो उसने कहा नहीं नहीं मुझे बताओ, और लेकिन अगर तुम नहीं बताओगी तो मुझे वो बता देगा जो सटल और अवेयर है, मतलब कि वही जिब्राइल। तो फिर उसने कहा कि मैसेंजर ऑफ अल्लाह, जब मेरे माता और पिता तुम्हारे लिए रैंसम रहे। फिर इस लड़की ने पूरी कहानी आयशा ने उसको बता दी। तो उसने कहा कि तुम्हारी जो छाया थी वो मैंने देखी, जो वो तुम्हारी ही छाया थी जो मैंने अपने आगे देखी। तो उसने कहा हाँ। तो उसने मोहम्मद ने उसकी चेस्ट पे आयशा के छाती पर एक मुक्का मारा, और आयशा लिखती है कि उससे मुझे दर्द हुआ। तो ये पता चलता है कि मोहम्मद ने इतनी छोटी बच्ची जिससे शादी करी उसको उसने घूंसा मारा उसके छाती पर और उससे उसको दर्द हुआ। तो इससे हमें उसके क्रोध का, डोमेस्टिक वायलेंस का एक और एग्जांपल पता चलता है। ऐसे तो अनेकों एग्जांपल हैं, पर आयशा को मारने वाला ये अच्छा एग्जांपल जो है, आपको पता चलता है कि मोहम्मद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, और जरा सी बात की आयशा ने उसका पीछा किया है इस बात पे उसने उसे घूंसा मारा। तो आप ये सोच सकते हैं कि इतनी जो है मोहम्मद क्रोधी आदमी था, और उसके अंदर इतना छोटी सी चीज पे वो विजय नहीं पा पाया। अब अगला डाकू देखते हैं। अगला है लोभ। तो मोहम्मद लोभी था, इसके बारे में पता चलता है हमें सीरत रसूल अल्लाह, जो कि मोहम्मद की बायोग्राफी है, और उसके पेज नंबर 515 पर इब्न इशाक में लिखा है कि जब खैबर की लड़ाई हुई, जब खैबर में इन्होंने रेड डाली, अब मोहम्मद क्या करता था कि ये मुसलमान कहते कि भाई हम पर कोई अटैक कर रहा है, ये लोग देखते हैं कि सनातन धर्म में लोग जो है दूसरों पर, हमने लिखा है कि हमारे एनिमीज जब हम पर अटैक करेंगे, तो इसने उन्हीं की चीटिंग करके मुसलमान कहने लगे हैं कि मोहम्मद जो है उस पर अटैक होता था, जबकि कहीं पर भी मोहम्मद पर अटैक नहीं हुआ। और एक जगह जहां पर उन लोगों ने सजा देने की कोशिश की मोहम्मद को, तो उन्होंने पहले से उसे इन्फॉर्म कर दिया था, वो कभी ऐसे सडन अटैक नहीं करते थे। और ये मोहम्मद ने 74 रेड्स करी, और खैबर उन्हीं की एक रेड में जो थी, एक रेड थी कि मोहम्मद खुद अटैक करता था दूसरों को। तो एक बार वो खैबर में गया, और वहां पर एक किला सा था, तो उसने वहां पर जो थे निहत्ते यहूदी उनको मारा, और वो वहां से कुछ भाग गए कुछ मर गए। तो उनमें से एक किनाना जो था यहूदी, जो यंग लड़का था, इसे उन्होंने कैद कर लिया है, इसे बंदी बना लिया। किनाना अल रबी जो था वो एक और यहूदी था बनू नादिर, उसका जो खजाना था, उसका खजांची था वो किनाना। तो उसे लाया गया जब उसके पास, तो उसने मना कर दिया कि खजाना कहीं उसे नहीं पता। तो एक यहूदी को और पकड़ के लाया गया मोहम्मद के पास, तो उसने मोहम्मद को बताया कि ये एक फलाने खंडर में जाता है, कि ये सुबह सुबह उस खंडर में जाता है। तो जो मोहम्मद है उसने किनाना से कहा कि तुम्हें पता है अगर हमें खजाना मिल जाएगा तो हम तुम्हें मार देंगे। तो उसने कहा हाँ। तो मोहम्मद ने जो है ऑर्डर दिया, हुक्म दिया कि जो जिस खंडर में ये जाता था वहां पर खुदाई की जाए, और वहां जाके उनको खजाना मिल गया। तो फिर मोहम्मद इतना लालची था कि इतना दूसरे का खजाना लेने के बाद भी उसको चैन नहीं पड़ा, और उसने कहा कि उसे लगा कि खजाना और भी है कहीं। तो किनाना ने जब नहीं बताया तो उसने अल जुबैर अल अवाम को कहा कि इसे खूब टॉर्चर करो, इसे खूब सताओ, जब तक कि ये खजाने का बाकी हिस्सा ना बता दे, और बाकी हिस्सा है या नहीं ये भी हमें नहीं पता। लेकिन मोहम्मद को ऐसा लगता था कि और भी है खजाना, और केवल उसके इतना लोभी था वो कि अपने दिमाग से उसने सोच लिया कि खजाने का और भी हिस्सा है, और इतनी निर्दयता से उसको टॉर्चर किया गया कि एक जो वो थी ना फ्लिंट, क्या बोलते हैं जिससे आग आग जो है वो पत्थर से, वो एक ऐसा पत्थर होता है जिससे आग निकलती है, तो उसको फ्लिंट कहते हैं, और उसको जला के इन्होंने, और उसके
स्टील और फ्लिंट को मिलाकर उन्होंने आग लगाई और उसके उसके छाती पर वो जलता हुआ पत्थर रख दिया, और उसको जो है वो जब तक मर नहीं गया तब वो धीरे धीरे करके मर गया इस प्रकार। और फिर जो है फिर उन्होंने उसे ऐसे मराऊ हो गया, मतलब वो पूरा नहीं मरा था। तो मोहम्मद बिन मसलमा ने जो है मोहम्मद ने उसे मोहम्मद बिन मसलमा को दे दिया, जिसने उसका सिर कलम कलम कर दिया, उसके घर से अलग कर दिया। तो मतलब ये पता चलता है हमें इस कहानी से, इस वाक्य से हमें ये पता चलता है कि मोहम्मद बहुत ही लोभी था, बहुत ज्यादा, और उसने अपनी वो नबी हो ही नहीं सकता जो आदमी इतना लोभी हो, जो कि नॉर्मल व्यक्ति से भी गिरा हुआ है। अब अगला देखते हैं, अगला है मोह। मोहम्मद जो था वो बहुत अटैच, अगर हम अपनी इसी मायावी दुनिया में अटैच रहेंगे, हमें एक योगी की तरह देखनी है दुनिया, हमें संसार योगी की तरह देखना, भोगी की तरह नहीं। पर और जब हम मर जाते हैं तो हमारे संसार के ये बंधन छूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद जो था इतना बुढ़ा था, जब इसने आयशा से शादी करी एक छोटी बच्ची से 6 साल की, जबकि वो 54 ईयर्स का था, और जब वो 18 साल की हुई तो मोहम्मद जो है वो मरने वाला हो गया। और उसने ये सोचा कि उसके मरने के बाद जो है आयशा किसी और से शादी कर लेगी, तो इस बात को सोचते ही उसके दिमाग में जेलेसी उत्पन्न हुई। तो उसने ये कहा, कुरान, ये कुरान की आयत है, ये हदीथ नहीं है, ये प्रॉपर कुरान की आयत है। बहुत सारे मुसलमान बोलते हैं कि भाई हम तो जो है वो हदीथ है मानते नहीं है, लेकिन इनकी कुरान में भी बहुत सारी बातें जो है आपको मिल जाएंगी, जिससे ये सारे इसके जो है इसके पाप सारे मोहम्मद के उसमें भी मिल जाएंगे आपको, पर हदीसों में ज्यादा है क्योंकि लोग बताते थे उसमें। तो कुरान में की इस आयत में 33 चैप्टर की 53 नंबर आयत में लिखा है कि ओ बिलीवर्स, मतलब जो बिलीव करने वाले यानी मुसलमान है, तुम अपने नबी के घर बिना परमिशन के मत आओ, क्योंकि उस समय लोग आके मोहम्मद के यहाँ बैठ जाते थे तो उसे डर, दो बातों का डर होता था, एक तो वो अपनी बीवियों के साथ सेक्स नहीं कर पाता था, वो समय खा जाते थे उसका, और दूसरी बात कि वो उसकी बीवियों को तन न ताड़ लें, जैसे मोहम्मद दूसरे को ताड़ता था तो उसे शक होता था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया साइकोलॉजी में कि जो व्यक्ति खुद जैसा होता है वो सोचता है दूसरे भी वैसे ही हैं। मोहम्मद दूसरों की बीवियों को और लड़कियों को ताड़ता था, तो उसे हमेशा ये डर रहता था कि कोई उसकी बीवियों को ताड़ ना ले, इसलिए उसने ये रूल बनाया, ये फौरन आयत उतर गई 33:53 वाली कि भाई जो है नबी के घर बिना इन्विटेशन के बताओ, और जब तुम्हें खाने के लिए बुलाया है तो बहुत पहले मत आ जाओ, जब तक कि खाना रेडी ना हो तब तक आओ ही मत, और जब तुम आओ तो टाइम पर आओ, और जब तुम खा लो तो फौरन ही चले जाओ, और कैजुअल बातों करने के लिए मत रुको, और नहीं तो इस बात से जो है वो नबी मोहम्मद जो है वो बहुत ज्यादा अनॉयड होता है, अगर वो, लेकिन वो बहुत शर्मीला है इसलिए जो है खुद नहीं कहता, पर ये बात वो खुद अल्लाह के द्वारा कहलवा रहा है, क्योंकि मोहम्मद ही जो है वो ये बातें बना के अल्लाह की तरफ से बोलता था, वरना अल्लाह कोई दल्ला थोड़ी है जो हर बार मोहम्मद की सेक्सुअल डिजायर्स को पूरी कर रहा है यहाँ हर जगह। और उसने ये भी कहा कि जब भी तुम जो मुसलमान उसके घर पे आते हैं तो जब उन्हें कोई चीज की जरूरत हो तो वो उसकी बीवियों से पर्दे से पीछे ही बात करें, और इससे जो है तुम्हारा हार्ट प्योर रहेगा और उनका भी, और कोई ये तुम्हारा राइट नहीं है कि तुम मोहम्मद को जो है वो अनॉय करो। और ये भी नहीं है, अब उसने ये भी रूल बताया कि मोहम्मद की बीवियों से शादी कोई नहीं कर सकता मोहम्मद के जाने के बाद, और नहीं तो ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। तो सोचो कि 18 साल की छोटी बच्ची जो विधवा हो गई, जिसने कि कभी अपनी जवानी देखी ही नहीं, जो 6 साल में एक बुड्ढे ने उसके उसके शरीर को लूटा, और जब वो 18 साल की हुई उसके बाद से वो अकेला पूरा जीवन बिताएगी। सोचो जीवन इतना बड़ा होता है आजकल, तो मतलब पुराने जमाने में इसमें ही कुरान में कहीं जगहों पे लिखा है कि 120 साल का जो आदमी था उस समय लोग जो है बहुत बहुत जीते थे, 120 वर्ष तक जीते थे।
अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गई है पहले जमाने के मुकाबले में। तो सोचो कि मोहम्मद की जो बीवी है 18 साल से 120 वर्ष तक, अगर 100 वर्ष भी मान लो उसकी आयु, तब तक वो जीवित रही तो वो किसी से शादी नहीं कर सकती। तो सोचो कितनी अकेलेपन में उसने अपना जीवन बिताया होगा, किसी ने इस दर्द के बारे में नहीं सोचा उसके। और मैंने तो यहाँ पर कोरा.com पर एक जगह देखा कि किसी ने क्वेश्चन पूछा है, क्या ये सच है कि मोहम्मद की बीवियां जो हैं वो दूसरे से शादी नहीं कर सकती थी। तो उसने लिखा है, वो जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी आलिम कहता है इस्लाम का, उसने उसके में ये जो है बहाना मारा है कि भाई ये मोहम्मद की बीवियां जो हैं दूसरे की इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जन्नत में जो है उन्हें मोहम्मद जैसा पति मिलेगा और किसी और से शादी करेंगी तो मतलब ऐसा नहीं हो सकेगा इस वजह से, ताकि वो उन्हें मोहम्मद ही मिला रहे इस वजह से। तो ये बताइए कि जो जन्नत है उसमें आदमियों को तो 72 हूरें मिलेंगी और जो औरतें हैं उन्हें अपने आदमी ही क्यों मिलेंगे, उन्हें भी तो नए लोग मिलने चाहिए। अब जैसे मैंने आपको एक कहानी बताई थी, एक और किस्सा बताया था रिफा का, जिसके आदमी अब्दुल रहमान ने उसे खूब मारा था, जिसके की सब चोटें हो गई थी। तो उस औरत बेचारी को फिर से अब्दुल रहमान ही मिलेगा अगले जन्नत में भी, मतलब कि उसका तो इन बेचारी औरतों का, महिलाओं का इस्लाम में कोई भी, इनको कोई भी बेनिफिट ही नहीं है। इनको तो मरने के बाद भी वही बेकार आदमी मिलेगा जो यहाँ पृथ्वी पे मिला है, और औरतों और जो आदमी है उन्हें बड़ी हूरे मिलेंगी। तो ये भी कितना अनजस्ट और क्रूअल वाली बात है। तो मोहम्मद जो था उसने महिलाओं के साथ बहुत ही बुरा बात करी, और उसने आयशा के साथ, और इस जन्म में तो आगे की तो आगे देखी जाएगी, पर इस जन्म में तो उसने आयशा को कितना दुख दिया, बेचारी को सारा जीवन अकेले रहना पड़ा। और यहाँ पर हम मोहम्मद का दोष बता रहे हैं, तो मोहम्मद जो था वो मोह माया में लिप्त था, उसने अपने मरने के लिए ये भी नहीं सोचा कि मैं मर जाऊंगा तो मैं इन बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा, बल्कि वो तब भी अपनी बीवियों से इतना अटैच था कि वो चाहता था कि उसकी बीवियां किसी और से न शादी कर ले। तो इसी को कहते हैं डिल्यूजन यानी मोह, इस दुनियावी चीजों मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का मोह जो था उसे बहुत था, और जेलेसी भी थी। अब एरोगेंस देखते हैं, पांचवा मतलब प्राइड। मोहम्मद जो था बहुत एरोगेंट था, इसका हमें पता चलता है सही बुखारी 77 से और उसकी बुक नंबर 3 हदीस नंबर 19। तो महमूद बिन रबी ने कहा, एक बता रहा है एक लड़का महमूद बिन रबी कि जब वो एक छोटा बच्चा था 5 साल का, तो मोहम्मद जो है बाल्टी से पानी लेके कुल्ला करके उसके मुंह पे फेंकता था। तो बताओ कि ये मोहम्मद ये इसकी वो है, मतलब बदतमीजी ही है किसी के मुंह पर, आप एक 5 साल का बच्चा जो है उसके मुंह पे आप, छोटे बच्चों के अंदर तो ईश्वर होता है, मतलब ईश्वर का अंश ज्यादा होता है। और यहाँ पर ये मोहम्मद अपने आप को इतना घमंड करता था, बल्कि एक गांव में तो वो गया तो उसने वहां के कुएं में पेशाब कर दी। अपने आप को पता नहीं क्या समझता था ये मोहम्मद, जगह जगह पोल्यूशन करता था और लोगों की इसे जरा भी इज्जत नहीं, और बच्चे के मुंह पर कुल्ला फेंकने का क्या मतलब है, ये कितनी बदतमीजी की बात है। और इससे पता चलता है कि मोहम्मद जो था वो बहुत ही बदतमीज और घमंडी था, बदमाश था। अब अगला देखते हैं जेलसी, और मोहम्मद जो था वो बहुत ही जलस आदमी था। सुनान अबू दाऊद में 34 चैप्टर की 88 वर्स बताती है कि आयशा बता रही है कि एक जो है मुकन्नाथ जो होता है ना, वो 5 तरह के हिजड़े थे। हिजड़ा वर्ड हम कॉमन कह देते हैं, पर उसमें जो दोनों तरह के होते हैं उनको कुछ और कहते हैं, एक तरह का होता है उसे मुकन्नाथ जो होता है, वो ऐसा आदमी जो औरतों जैसा हो और बिल्कुल औरत जैसे ही बिहेव करता है, और उसको इरेक्शन भी नहीं होता है, और वो मतलब इसी तरह का होता है। तो एक मुकन्नाथ जो है उनके घर पे आता था और जो मोहम्मद की बीवियां थी उनके साथ गपे आता था। तो एक दिन की एक बार की बात है, वो मुकन्नाथ आया था और वो बता रहा था एक और ऐसी औरत के बारे में कि वो इतनी पतली और वैसी थी कि वो जब आगे आती थी तो उसके पेट पर 4 बल पड़ते थे, और जब वो पीछे को होती थी तो उसके पेट पे 8 बल पड़ते थे।
तो मोहम्मद उस समय आ गया और उसने मुकन्नात को ये बात कहते हुए सुन ली। तो उसने अपने मन में सोचा कि ये तो बड़ा ऑब्जर्व करता है, तो उसने फौरन जो है उसको इतनी ईर्ष्या हुई कि मुकन्नात जो कि एक एक औरत जैसा था उसको भी उसने अपनी बीवियों को बोल दिया कि भाई तुम इनसे पर्दा करो। तो ईर्ष्या जो थी वो बहुत छोटी छोटी बात में उसे उसे हिजड़ों तक से ईर्ष्या हो जाती थी जो उसकी बीवियों से बात करते थे। तो उससे हर एक से उसे जो थी उसने पर्दा सिस्टम तो कर ही दिया था कि कोई उसकी बीवियों से बात नहीं कर सकता, पर्दे से पीछे ही बोलेगा। बेचारी बीवियां जो छोटी छोटी लड़कियां थी सब टीनेजर्स थी, और इस बूढ़े बदमाश ने उनको उनको कैद करके और उनको किसी से बात नहीं करने देता था, और यहाँ तक कि एक हिजड़े को भी पे भी उसे शक हुआ। तो इससे पता चलता है कि मोहम्मद एक्सट्रीमली जेलस आदमी था। तो यही था मेरा आज का टॉपिक, और इससे हमें पता चलता है कि मोहम्मद जो था उसने अपने ये पांच डाकू, जो हर इंसान के अंदर ये पांच छह डाकू होते हैं, काम, क्रोध, मद, मात्सर्य और लोभ, और मोहम्मद जो था वो किसी भी तरह से नबी नहीं था, क्योंकि जो व्यक्ति ये छह चीजें जो है कंट्रोल नहीं कर सकता वो कैसे वर्चुअस हो सकता है। वो तो एक नॉर्मल से भी नीचे था। यहाँ के जो मैं विदेश में रहती हूँ तो यहाँ लड़के जो हैं वो कभी किसी की तरफ देखते नहीं है, जमीन की तरफ देख के चलते हैं, इसीलिए उन्हें कभी शक नहीं होता और ना ही वो अपनी बीवी को पर्दे में रखते हैं, क्योंकि वो खुद दूसरों को नहीं देखते। जो खुद दूसरों को देखते हैं वो हमेशा अपनी बीवी को ढक के रखेंगे। आप साइकोलॉजी में चेक कर सकते हैं इस बात को। मेरा हर एक स्टेटमेंट जो है मैंने बहुत रिसर्च करके और मैंने साइकोलॉजिकल मैगजीन्स पढ़ के और साइकोलॉजिकल आर्टिकल्स पढ़ के और उन सब से ये नॉलेज निकाली है, और सारी हदीसें, और मैंने आपको कुरान से भी दिखा दिया है। मेरे पास हर एक टॉपिक का, जिसमें काम, क्रोध, मद, इन सब के जो पाप हैं इन सब पे मेरे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, पर मैं आपको बहुत ज़्यादा बोर नहीं करना चाहती। मैं खाली ये प्रूव करना चाहती थी कि ये सारे छह दोष जो थे ये मोहम्मद के अंदर भर के थे, और मैंने उनका एक एक दो दो प्रूफ आपको दिखा दिया है। तो अब आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आप इन सारे वर्सेस को क्रॉस चेक करिए। जो मुसलमान हैं, मैं मानती हूं कि जितने भी मुसलमान हैं वो सब मोहम्मद से ज्यादा वर्चुअस हैं, और सीरियल किलर्स को छोड़ दीजिए। अगर आप सीरियल किलर और साइकोपैथ जो भी जेलों में बंद हैं और जो हैं ऐसी कैटेगरी के लोगों को अगर आप छोड़ दें, तो दुनिया के जितने भी लोग हैं वो सारे ही मोहम्मद से ज्यादा वर्चुअस हैं हर मामले में। यहाँ पर मैं देखती हूँ लोग कितने काइंड होते हैं। मोहम्मद ने एक भी काइंडनेस का एक्ट नहीं किया। मैंने पूरी कुरान, हदीस, रिलायंस ऑफ ट्रेवलर, सीरा और विलियम म्यूर्स लाइफ ऑफ मोहम्मद 1878, बहिश्ती जेवर, ये सब मैंने पढ़ लिए हैं, और मोहम्मद ने कोई भी काइंडनेस नहीं। जब भी मैं किसी भी मुसलमान से बोलती हूँ मुझे एक काइंडनेस का एक्ट बताओ, तो वो मुझे इस वर्स का प्रूफ देते हैं कि भाई कोई और कह रहा है कि मोहम्मद जो है देखो कितना काइंड था। उसमें कहीं पर भी एक भी काम मोहम्मद ने ऐसा नहीं किया कि किसी जो है रेगिस्तान के किसी को पानी पिला दिया हो, या किसी बूढ़े को मदद कर दी हो, बूढ़े आदमी को, बूढ़ी औरत को मदद करी हो, किसी को कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलता। मुझे एक लन ने मुसलमान ने कहा कि भाई उसने ऊंटों को पानी पिलाया, तो पूछो कि ऊंट जो है उनके ऊपर तो वो सवारी करते थे, अगर उनको पानी नहीं पिलाएंगे तो वो तो मर ही जाएंगे, तो ये कैसा काइंडनेस है। अगर आपने ऐसे को काइंडनेस कहेंगे जिससे आपको कोई लाभ नहीं लेना, सेल्फलेस एक्ट, उसको काइंडनेस कहा जाता है। अगर आपको किसी से मतलब निकालना है और आप उसके लिए कर रहे हैं तो वो थोड़ी काइंडनेस हुआ, तो ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इनके मौलवी जो हैं झूठी गप्पे इनको सुना देते हैं बचपन से, तो बेचारे इनका माइंड ब्लॉक हो गया और इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दिए, आप ये पैर अंदर रखो, वो करो, ये करो, सारा दिन वो यही करते रहते हैं, इसलिए उनका माइंड ब्लॉक्ड है। इन ब्रीडिंग और 5 बार एरो जो है एग्रेवेशन से जो है इनका दिमाग जो है नॉर्मल डेवलप नहीं हुआ है, और साथ में मौलवी जो है वो इनको काफी कुछ गलत गलत बताते हैं। पर अब इनका फर्ज है कि अब ये पीडोफीलिया को तो सपोर्ट ना करें, क्योंकि ये बड़े हो गए हैं, तो इनको जो है वो ये जान लेना चाहिए कि हमें क्या चीज जो है उसको सपोर्ट करना है।
और मैं भी कई सारे रिलीजन से निकल आती हूँ, क्योंकि मैं खाली ट्रुथ को फॉलो करती हूँ, रिलीजन को नहीं। मैं केवल केवल सच को फॉलो करती हूँ, चाहे अगर वो सच अगर कोई रिलीजन के अंदर गलत बता रहा है तो मैं उसे छोड़ देती हूँ। और इस्लाम तो एक ट्रैप है, इसमें आप आ सकते हैं पर निकल नहीं सकते, नहीं तो वो आपको धमकी देंगे कि आप मर जाएं। अब पूछो कि ये तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप किसी धर्म को जाने। अगर किसी किसी मजहब में आपका जन्म हो गया है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वही दिन मजहब आपको अपनाना है, आपको तो सच को फॉलो करना है। और इसीलिए इनके अंदर इतने फिरके हैं और इतना कुछ है। खैर, मेरा टॉपिक खाली यही था कि आपको ये 6 दोष बताऊं, और ये 6 दोष जो थे वो मोहम्मद में कूट कूट के भरे थे, और मैंने इसके एग्जाम्पल दिखा दिए। और भी एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए होंगे तो मैं दे सकती प्रूफ के साथ। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस नहीं है तो मैं अपनी ये स्ट्रीम यहीं पे एंड करती हूँ, और आपका दिन अच्छा बीते। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब जो हैं उनको ज्ञान मिले, नॉलेज मिले और आत्मज्ञान मिले, और आप धर्म के रास्ते पे चलें, मजहब के रास्ते पे नहीं, क्योंकि धर्म और मजहब में फर्क बहुत है। धर्म जो है वो राइचियसनेस, और राइचियसनेस वो है जो पूरे मनुष्य जाति के लिए है, ना कि जो है आप अपना फिरका, अपना मजहब, अपना ये, इसके बियॉन्ड है, यूनिवर्सल है। ईश्वर जो है वो एक है, और ईश्वर आपको कष्ट और सुख नहीं देता है, ये आपके अपने कर्म हैं जो आपको सुख और दुख देते हैं। और अगर आप मोहम्मद जैसे कर्म करेंगे तो आप जरूर जो है नरक में जाएंगे, और आपका जो अगर दोबारा जन्म हुआ तो वो कीड़े मकोड़े का होगा, क्योंकि हिंदू जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, और क्योंकि हिंदुइज्म बहुत एडवांस्ड भी है, न केवल बहुत प्राचीन है बल्कि बहुत एडवांस्ड भी है, क्योंकि उसके अंदर री इनकारनेशन का जो है वो उन्होंने डिस्कवर कर लिया है, जो और मजहबों ने नहीं किया है। और री इनकारनेशन होता है, और जो जैसे घिनौने कृत्य कोई करता है तो उसका री इनकारनेशन एक कीड़े मकोड़े की तरह होता है। तो अब आप जान लीजिए कि जो कीड़े मकोड़े हैं वो आखिर ईश्वर ने कीड़े मकोड़े क्यों बनाए, ये भी तो सोचने की बात है। तो ये एवोल्यूशन तो हुआ है, और इसके बारे में मैं किसी और स्ट्रीम में आपको बताऊंगी। एनीवेज, मैं तो बोलती चली जा रही हूँ, तो आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, वरना आपका दिन शुभ बीते और आपको ईश्वर ज्ञान दे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, देखने के लिए शुक्रिया, और मुझे सपोर्ट करने के लिए आगे 2 लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पास करिए।